पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि देशवासी खूबसूरत संविधान को बचाकर संविधान की मूल भावनाओं को बचाएंगे। मुरादाबाद के बाबूराम यादव को पद्मश्री अवार्ड घोषणा पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने उन्हें मुबारकबाद दी। उनके अपने गुणों की वजह से पद्मश्री उन्हें दिया गया और ये हमारे देश का सम्मान है। उन्होंने ज्ञान व्यापी पर ASI रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि ये सर्वे है, सर्वे आया है, कोर्ट में केस है, इसमें अदालत फैसला करेंगी, इसमें हम क्या कह सकते हैं। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे रिपोर्ट को अपनी जीत बताने पर सपा सांसद भड़क गए। उन्होंने कहा कि ना कोई जीत है इसमें, ना किसी की हार, आज कल तो सब कुछ मुमकिन है। देखिए 75वें यौम जमहूरिया के ऊपर मैं अपने देशवासियों को, मुरादाबाद के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाइयां देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि हमारे देशवासी अपने इस खूबसूरत संविधान को बचाकर संविधान की मूल भावनाओं को बचाएंगे। देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सौहार्द और एक साथ एक दूसरे के साथ काम आने के जज्बे से सब काम करेंगे, तभी हमारा देश आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचेगा और हम एक महाशक्ति बन पाएंगे। अच्छा, हाल ही में बाबूराम यादव भी उन्हें पद्मश्री दिया गया है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। जिनको पद्मश्री दिया गया है उनके अपने गुणों की वजह से ये दिया गया है और हमारे पूरे कंट्री का सम्मान है। अच्छा, हर ASI ने ज्ञान व्यापी पर अपनी सर्वे रिपोर्ट जो है वो सामने लाई है, जिसमें 34 सबूत बताए गए हैं कि प्राचीन देखिए सर्वे है, सर्वे आया है, अब ये कोर्ट में केस आएगा, ये तो अदालत ने जो फैसला करी उसमें हम क्या कह सकते हैं। हिंदू पक्ष इसको सर एक बड़ी जीत बता रहा है अपनी। ना कोई जीत है इसमें, ना किसी की हार है, आजकल तो सब कुछ मुमकिन है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।